नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। कर्नाटक में इस समय स्कूल कॉलेजों में छात्राओं के हिजाब पहनने पर विवाद चल रहा है। कहा जा रहा है कि स्कूल में हिजाब पहनने की अनुमति नहीं दी जा सकती और कुछ जगहों पर इस दौरान छात्रों द्वारा भगवा स्कार्फ पहनकर इसका विरोध भी किया जा रहा है। अब एक तरफ इस बवाल से मुस्लिम छात्राएं परेशान हैं तो वहीं दूसरी तरफ स्कूल में शिक्षा भी प्रभावित हो गई है। इस विवाद के बीच कर्नाटक सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कर्नाटक एजुकेशन एक्ट 1983 की धारा 133 लागू कर दी है। इस एक्ट के तहत स्कूल में सभी को समान यूनिफॉर्म पहननी होगी। निजी स्कूल अपनी खुद की यूनिफॉर्म चुन सकते हैं तो वहां सरकारी स्कूलों में भी एक तय यूनिफॉर्म पहनकर ही आना होगा। अब इस आदेश के बाद हिजाब विवाद और ज्यादा बढ़ गया है। मुस्लिम छात्राओं का कहना है कि वे पहले से हिजाब पहनकर पढ़ाई करती आ रही है, पहले जब इस पर कोई विवाद नहीं था तो अब विवाद क्यों हो रहा है। यहां तक कहा गया है कि उनके घर की दूसरी महिलाओं ने भी ऐसे ही पढ़ाई की है लेकिन अब हिजाब पर यूं बवाल काटा जा रहा है। इस बीच कुछ छात्राओं ने भगवा स्कार्फ डालना शुरू कर दिया, यहीं से सारा विवाद बिगड़ना शुरू हुआ और अब उसमें राजनीतिक दस्तक भी हो गई। दो में केरला हाईकोर्ट ने ऐसे ही एक मामले में जजमेंट दिया कि ये स्कूल का हक बनता है कि वो किस प्रकार के ड्रेस कोड को अलाउ करते हैं। 2019 में केरल में एक मुस्लिम शैक्षणिक संस्थान है जिसके 150 अलग अलग इंस्टीट्यूट चलते हैं, उन्होंने अपने कॉलेज कैंपसेस में हिजाब को बैन कर दिया। राहुल गांधी केरल से सांसद हैं, उनको इस बात की जानकारी तो होगी, लेकिन क्योंकि ये मुद्दा कर्नाटका का है इसलिए उसको सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास किया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इस बयान दिए कि घूंघट प्रथा को खत्म करना चाहिए। अगर घूंघट प्रथा को खत्म करना चाहिए तो हिजाब कहां तक सही है, और हिजाब के खिलाफ ईरान और टर्की जैसे देशों में मुहिम चलाई जा रही है और हिंदुस्तान में हम अपनी बच्चियों को हिजाब के पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स पढ़ाई के लिए बनाए गए हैं, वहां पे लोग जाकर अपनी सोच को और व्यापक करते हैं, अलग अलग पंथ अलग अलग समाज के वर्ग से आए हुए लोगों से मिलते हैं और एक जुड़ाव महसूस करते हैं। अगर हम इन बच्चियों को धर्म के आधार पर हिजाब में धकेल देंगे तो ये मेन स्ट्रीम से कब जुड़ेंगे, ये बड़ा सवाल है। किस प्रकार का समाज बनाना चाहते हैं हम, ये भी सवाल खड़ा होता है। सो व्हाट इज द रूल्स इन Education Department? Already Government of Karnataka given dress also for the entire government school. That dress only they want to wear. So no other religious factors we will not allow. The students are saying it is our fundamental rights. There is no, if you, there is fundamental rights, they can walk in the street. They can, they are not allowed in the masjid. What hijab is this wearing na? Girls. Not allowing the in masjidi. So they are telling us to allow in the school. So we are allowing, but only on dress code only, government dress code only. The students are still continuing the protest. What we have come to know, the students are still continuing the protest. Mainly because big leaders, political leaders are also giving support to them. Like Mr. Siddaramaiah. He's come out openly and blatantly is telling that they can wear what they want. If that order, the sheer definition of uniform is lost here, you can wear anything and come. People will wear sari, people will wear lungi, people will wear mundas and whatever they want to come. If that is okay, then this is also okay. But if you are saying only hijab should be allowed and everything else cannot be allowed, that doesn't make sense. Siddaramaiah being a very responsible opposition leader, he can't talk like this. He has been known to do all these things. Only concern for Mr. Siddaramaiah has been the vote bank. He is trying to polarize the vote bank by supporting such issues. This issue was not there before. People used to wear hijab or burqa and come till the school. After the inside the school gate, they have to remove the hijab and sit with everyone and be normal.
कॉलेजों में छात्राओं के हिजाब पहनने पर विवाद चल रहा है। कहा जा रहा है कि स्कूल में हिजाब पहनने की अनुमति नहीं दी जा सकती। कुछ जगहों पर छात्रों द्वारा भगवा स्कार्फ पहनकर इसका विरोध भी किया जा रहा है। अब एक तरफ इस बवाल से मुस्लिम छात्राएं परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ स्कूल में शिक्षा भी प्रभावित हो गई है। इस विवाद के बीच कर्नाटक सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कर्नाटक एजुकेशन एक्ट 1983 की धारा 133 लागू कर दी है। इस एक्ट के तहत स्कूल में सभी को समान यूनिफॉर्म पहननी होगी। निजी स्कूल अपनी खुद की यूनिफॉर्म चुन सकते हैं, तो वहीं सरकारी स्कूलों में भी एक तय यूनिफॉर्म पहनकर ही आना होगा। अब इस पूरे मसले पर मुस्लिम छात्राओं का कहना है कि वे पहले से हिजाब पहनकर पढ़ाई करती आ रही हैं। पहले कभी इस पर कोई विवाद नहीं था। यहां तक कहा गया है कि उनके घर की दूसरी महिलाओं ने भी ऐसे ही पढ़ाई की है, लेकिन अब हिजाब पर यूं बवाल काटा जा रहा है। दूसरी तरफ एक तबका ऐसा भी है जो मानता है कि शिक्षा का यूनिफॉर्म से कोई लेना देना नहीं है और सभी को स्कूल में एक समान ही रहना चाहिए। इस विवाद पर बीजेपी नेताओं का मानना है कि स्कूलों में सिर्फ स्कूल यूनिफॉर्म ही अनिवार्य रहनी चाहिए। कांग्रेस जानबूझकर छात्रों के बीच भी खाई पैदा करने का काम कर रही है। मेरी छात्रों से अपील है कि वे अपनी शिक्षा पर ध्यान दें, शिक्षा ही उनका भविष्य तय करेगी, कोई यूनिफॉर्म नहीं। लेकिन बीजेपी नेता से अलग सोचती है कांग्रेस। कांग्रेस का ये कहना है कि बच्चे जैसे चाहें वैसे पढ़ सकते हैं, हिजाब पहनकर कहीं भी एंट्री ली जा सकती है। आखिरकार इन बच्चियों को क्यों रोका जा रहा है? अचानक से शैक्षणिक संस्थानों को भगवा रंग क्यों दिया जा रहा है? हिजाब तो हमारा हक है, हम अपनी जिंदगी दे सकते हैं, लेकिन हिजाब नहीं। इस तरह की बातें जो है कांग्रेस विधायक कनीज फातिमा के द्वारा कही गई है। वैसे इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया पर यह मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा था कि कुछ लोग हिजाब को भी लड़कियों की शिक्षा के बीच में ला रही हैं। इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। दो मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। रत्नेश मिश्रा जी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, और फरहत अली खान जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। फरहत साहब, शुरुआत आप ही के साथ कर लेते हैं सर। सबसे पहले तो मैं आपका रिएक्शन इस पर भी चाहूंगी सर। आज लता दीदी नहीं रही है, भारत की स्वर कोकिला का निधन हो गया, और उससे भी बड़ा सवाल ये कि कर्नाटक में आखिर अचानक से हिजाब पर इतना विवाद क्यों हो रहा है? क्या इससे पहले वहां पर छात्राएं हिजाब पहनकर शिक्षा ग्रहण नहीं करती थी, या इन दिनों में ही कुछ ये नया चलन चल पड़ा है? देखें, सबसे पहले तो हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं माननीय लता जी को। जी सर। जो हिंदुस्तान का नायाब हीरा था वो हमने खो दिया, लेकिन हमारी जिंदगी की मार्गदर्शक हमेशा बने रहेंगी। उनको शक्त तमन, उनकी रूह को सुकून देने के लिए अल्लाह से दुआ करता हूं। रहती है बात हिजाब की, तो हिजाब क्या है? हिजाब इस्लाम में क्या है? हिजाब का मतलब होता है कि जो औरतें हैं, सर मैडम मुझे इको मिल रही है, थोड़ी सी मेरी इको कम करा देंगे तो ठीक है। सर मैं एक बार चेक करवा लेती हूँ, आप अपनी बात जारी रखिए। जी, तो उसमें ये है कि जब हम हिजाब पहनते हैं तो अपने आप को ढक लेते हैं, और ढकने का मतलब ये होता है कि हम धूल धानी से भी बचते हैं, हम बुरी नजर से भी बचते हैं। और जो आजकल वबाएं चल रही हैं, ये बहुत पहले से वबाएं चलती थी, इससे भी हम बचते हैं। इस्लाम में और शरीयत में हिजाब पहनने के लिए सख्त हिदायत की गई है, लेकिन चंद जगहों को छोड़कर। इस्लाम में ऐसा नहीं है कि कहीं पर शिथिलता नहीं है, इस्लाम में भी शिथिलता दी गई है, लेकिन कर्नाटक में जिस तरीके से ये विवाद फैलाया गया है कि वहां पर कुछ लड़के जो हैं या उनके पीछे जो भी तंजीमें काम कर रही हैं, वो भगवा पहन भगवा पटका डाल के आ जाते हैं, तो हम ये मानते हैं कि जैसे अभी कोरोना पीरियड चला, कोरोना पीरियड में पूरी दुनिया ने एक ऐसा एप्रिन पहना जिसने अपनी पूरी बॉडी को छुपाया, उन्होंने सर को भी ढका। तो मैं कहता हूं कि इस्लाम उस वक्त से जागरूक मजहब है जिस वक्त में ये सारी चीजें नहीं थी, लेकिन औरतों को छुपाना फर्ज था। अब आ जाए आप हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में, या चाइना के परिप्रेक्ष्य में, या अमरीका के परिप्रेक्ष्य में, तो हम ये मानते हैं कि जो वहां की ड्रेसेस होंगी, अगर हमें अपने बच्चों को तालीम देना है समाज
तो हम उसका पालन करेंगे। इसमें ना तो इस्लाम रोकता है, ना समाज रोकता है, और ना इस बात पर विवाद खड़ा होना चाहिए। मुझे बड़ा दुख है कि कम से कम हिजाब, जिसको कहते हैं कि शायद लता दीदी का गाना था कि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा उठ गया तो राज खुल जाएगा। तो पर्दे का मतलब हिजाब होता है, उसमें अपने जिस्म को ढकना है, सर को ढकना है, यहां तक कि कुछ महिलाएं जो हैं वो बस खाली अपना जिस्म ढकती हैं, मुंह खुला रखती हैं। आप जितने भी मुस्लिम कंट्री देख लें, उसमें जैसे एयर होस्टेस हैं, जैसे वहां के टीवी स्टार हैं, तो लाजमी सी बात है कि हमारे बच्चे भी वहां पर पढ़ने के लिए स्कूल में गए हैं, उनको विवाद ना खड़ा करके इस मसले का हल करना चाहिए। ठीक है, रत्नेश मिश्रा जी, आपकी क्या राय है सर, अगर आप स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं तो स्कूल यूनिफॉर्म सभी छात्र छात्राओं के लिए एक होनी चाहिए, इसमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। संगीत की पहचान आदरणीय लता मंगेशकर जी के निधन पर बहुत दुखी हूँ और मैं उनसे अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। बचपन में हमने देशभक्ति को जाना है उनके गाने को ही सुनकर, आए मेरे वतन के लोगों, और आज वो आवाज हमारे बीच नहीं रही। इस बात का हम लोगों को बहुत दुख है और पूरी कांग्रेस पार्टी के एक प्रवक्ता के तौर पर मैं उनसे श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। रही बात, हम आ जाते हैं अब हिजाब के मुद्दे पर, तो देखिए पल्लवी जी, एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पे आता है कि जैसे सबने कहा, अभी भाजपा के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा विद्यालय है, सबको एक समान रूप से आना चाहिए। देखिए विद्यालय केवल शिक्षा का केंद्र नहीं होते, विद्यालय केवल पठन पाठन का माध्यम नहीं होते, विद्यालय जो होते हैं वो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करते हैं। विद्यालय जो होते हैं वो किसी भी व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करने का केंद्र होते हैं, और चरित्र निर्माण की प्रक्रिया में जब आप देखेंगे तो वहां पर कई सारे आयाम होते हैं कि व्यक्ति को उन सभी चीजों पर आराम मिलना चाहिए या मौका मिलना चाहिए। जहां तक पहनावे की बात है तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें इस बात की आजादी देता है कि हम कुछ भी पहनने को स्वतंत्र हैं। मैं आपको बताता हूँ, हमारा संविधान दो दो जगह हमें इस बात की इजाजत देता है, इस बात की परमिशन देता है कि आपके पहनावे पर कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का कमेंट नहीं कर सकता, आप जो पहनकर आना चाहें वो आप पहनने के लिए स्वतंत्र है। पहला आर्टिकल 21 के तहत जो हमारे यहाँ जीवन एवं दैनिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उसके तहत हमें क्या कहते हैं, चयन का अधिकार प्राप्त है, चयन की स्वतंत्रता प्राप्त है, और चयन की स्वतंत्रता में इसका अर्थात हुआ कि हम कुछ भी पहनने के लिए स्वतंत्र हैं, हम कुछ भी खाने के लिए स्वतंत्र हैं, हम कोई भी ऐसा कार्य जो किसी भी इन्फोर्सिंग लॉ का वायलेशन नहीं करता वो करने के लिए हम स्वतंत्र हैं। हमारा स्वतंत्रता हमारे चारित्रिक निर्माण का एक तरह से माध्यम है। अगर आप किसी भी महिला के, अगर मैं ना तो हिजाब पहनने का विरोध करता हूँ, ना मैं भगवा पहनने का विरोध करता हूँ, क्योंकि दोनों चीजें एक ही पद पर है और दोनों लोगों को करने देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी कभी किसी को इस तरह के बारे में नहीं बांध के रखती। दूसरी बात, ये तो एक जगह हो गया। दूसरा, हमारे यहाँ आर्टिकल 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया हुआ है। वहां पर आर्टिकल 25 में किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म का आचरण करने का अधिकार दिया गया है। और अगर इस्लामिक रिचुअल्स में कहा गया है कि महिलाओं को हिजाब या बुर्का पहनना चाहिए, तो उनके राइट टू रिलीजियस फ्रीडम का पार्ट है वो। नहीं तो अभी जो खान साहब जानकारी दे रहे थे रत्नेश जी कि किन जगहों पर छूट दी गई है और हिजाब पहनने के पीछे की वजह क्या है, आप उससे इत्तेफाक नहीं रखते क्या? आपका मैं जवाब लूंगी, उससे पहले बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस चर्चा में। एक और मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, प्रोफेसर रवि कांत जी, जो कि शिक्षाविद हैं। सर स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। मैं एक बार रत्नेश जी आपका ही फिर से रुख करना चाहूंगी। मेरा सवाल ये था कि जो अभी तर्क दिए गए खान साहब की तरफ से, उन तर्कों से भी आप इत्तेफाक नहीं रखते कि हिजाब पहनने के पीछे का मकसद क्या है और कौन सी ऐसी जगहें हैं जहां पर अगर महिलाएं या छात्राएं हिजाब नहीं पहनती है तो उससे उनका धर्म भंग नहीं हो रहा है?
देखिए पहली बात तो ये कि सुनिए, मैं फराज अली खान साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता कि मुझे अपनी कौन सी स्वतंत्रता का प्रयोग करना है और कौन सी स्वतंत्रता का प्रयोग नहीं करना है, इसका निर्णय करने का अधिकार भी मेरा है, उन महिलाओं का है, उन बच्चियों का है। अगर उन बच्चियों को लगता है कि नहीं हम हिजाब पहन के जाए, बुरका पहन कर जाए, तो आप शिक्षा को सुधारने की बात क्यों नहीं करते? आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए ना विद्यालयों में। अब एक चीज बता दीजिए, अगर मुझे महाविद्यालयों में चरित्र निर्माण का या व्यक्तित्व निर्माण का अवसर नहीं मिलेगा, आप उसको राजनीतिक एजेंडे में मत अपनाइए। और मैं पहला प्रश्न और दूसरी बात का जवाब दे दूं, ये उन्हीं राज्यों में क्यों होता है जहां भाजपा शासित सरकारें हैं? अच्छा, आप एक चीज बता दीजिए, ये मुद्दे उन्हीं राज्यों में क्यों उठते हैं? भगवा गमछा, हिजाब, बुरका, ये मुद्दे उन्हीं राज्यों में क्यों उठते हैं जहाँ भाजपा शासित सरकारें हैं? नहीं, अगर हम राजनीति पे आ रहे हैं सर, तो फिर मैं भी राजनीतिक चर्चा कर लेती हूँ। अशोक गहलोत क्यों कह रहे थे कि महिलाएं तब तक आगे नहीं बढ़ सकती जब तक ये घूंघट नहीं हटेगा? राजस्थान के सीएम थे ना वो उस समय भी, और उन्होंने ये बयान दिया था। और ये हम भी जानते हैं कि राजस्थान में घूंघट प्रथा कब से चली आ रही है और अभी तक चल रही है। तब तो सीएम ने इतनी बड़ी बात कह दी थी कि महिलाएं आगे बढ़ ही नहीं पाएंगी अगर घूंघट में छुपी रहेंगी। तो अगर आप इसी बात का जवाब देती है तो अभी भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में विधानसभा की प्रत्याशी है, पहले अशोक गहलोत पर प्रतिक्रिया दें। अरे मैं जवाब दे देती हूँ, जवाब दे देता हूँ। उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य जी, उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक जनसभा में कहा कि महिलाओं को 6 बजे के बाद घर से नहीं निकलना चाहिए, महिलाओं को थाने जाते हुए उनको क्या कहते हैं अपने पति या भाई के साथ जाना चाहिए। तो कोई भी राजनीतिक नेता क्या बयान देता है, कैसे बयान देता है, उसको आप क्या कहते हैं राजनीतिक संरचना से जोड़ के देखेंगे तो उनके अलग अलग मायने हो सकते हैं। महिलाओं को कमजोर समझती है? नहीं, बेबी रानी मौर्य जी क्या महिलाओं को कमजोर समझती है? मैं तो एक छात्र होने के साथ साथ मैं कहता हूँ कि सभी महिलाओं को उनको पहनने का अधिकार देना चाहिए, वो जो करना चाहते हैं उनको करने का अधिकार देना चाहिए। आप अगर इन सब चीजों पर रखकर महिलाओं को कैटेगराइज करेंगी तो महिलाएं किस चीज में कम है आप मुझे बता दीजिए? वो सेना में क्या कार्य कर रही हूँ पुरुषों से कम, या वो प्रशासनिक सेवाओं में कम, राजनीतिक सेवाओं में कम है? सर मैं किसी का वर्गीकरण नहीं कर रही हूँ, मैं ये घूंघट हिजाब इन पर सवाल कर रही थी। और मैं जानने का प्रयास कर रही हूँ ना कि शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ एक ही कक्षा में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, क्या वहाँ पर एक ही ड्रेस कोड होना चाहिए, या वाकई में इस तरह की अब ट्रेंड जो शुरू हो रहा है कि कोई भगवा स्कार्फ पहनकर आ रहा है, कोई हिजाब पहनकर आ रहा है, इसे चलने देना चाहिए? यही हम समझने का प्रयास कर रहे हैं और इसी पर चर्चा चल रही है। मैं कोई राजनीतिक चर्चा वैसे भी नहीं चाह रही थी सर, लेकिन आपने शुरू किया तो मैंने अशोक गहलोत के बारे में आपको बता दिया। आप अपने न्यूज चैनल के न्यूज रूम में आती हैं और सभी इतना दिया जाए कि सभी न्यूज एंकर और सभी जज कोऑर्डिनेटर और असाइनमेंट और सभी जो सपोर्टिंग स्टाफ है वो एक ड्रेस पहन कर आएंगे तो आप कैसा फील करेंगी? आपका मन कहता है कि आप साड़ी पहन कर आए? और आप कभी स्कूल में अलग अलग ड्रेस पहन कर गए हैं क्या सर? नहीं, आपका स्कूल कुछ अलग हो सकता है जहां पर आप रोजाना फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जा रहे हो, तो पता नहीं सर। हम तो स्कूल में एक ही ड्रेस पहनकर जाते थे जो सारे बच्चे पहन के जाते थे। और हर प्रोफेशन की चीजें अलग होती हैं सर, हर प्रोफेशन की चीजें अलग होती हैं। हमने कई स्कूलों में देखा है जहाँ टीचर्स की भी ड्रेस कोड होती है, वहाँ टीचर्स एक ही ड्रेस कोड में आते हैं। तो ये तो सवाल ही नहीं है और ये तो बहस का विषय ही अलग हो गया। हम यहाँ छात्रों के हिजाब पर बात कर रहे हैं, इस तरह की प्रथाओं पर बात कर रहे हैं, तो हम उसी पर रह लेते हैं। एक बार शिक्षाविद का मैं रुक कर लेती हूँ। प्रोफेसर रविकांत जी, सबसे पहले तो मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करूंगी, रिएक्शन में आपका लता मंगेशकर के ऊपर भी चाहूंगी। लता दीदी जी अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। और दूसरी बात सर, कर्नाटक में जो ये हिजाब विवाद इस समय चल रहा है, ये आपको कितना सही लग रहा है, या फिर जैसा चल रहा था वो चलने क्यों नहीं देते हैं? कुछ ना कुछ इस तरह की बातें होना हमारे समाज में क्यों जरूरी है? देखिए, पहली बात तो लता मंगेशकर की, वो भारत रत्न रही हैं और हिंदुस्तान के खास करके संगीत को और अपनी आवाज को उन्होंने दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी पहुंचाया है। मुझे वो लम्हा याद आता है जब उन्होंने मेरे वतन के लोगों ये गाना नेहरू जी के सामने सुनाया था और उस समय सारे लोग गमगीन थे, उन शहीदों को, देशभक्तों को याद कर रहे थे। तो आज हम उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन जो मसला कर्नाटक का है, ये मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा गंभीर मामला है और इसके तीन पहलू हैं। पहली बात तो ये कि
किसी भी शिक्षण संस्थान में इस तरह की वेशभूषा माने जो कहीं धार्मिक रूप से या किसी और रूप से आपको अलग करती हो, वो एक अधिकार है आर्टिकल 25 के अनुसार भी, आर्टिकल 14 के अनुसार भी। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि ये अधिकार अल्पसंख्यक संस्थाओं तक ही सीमित होना चाहिए। अब ये जो शिक्षण संस्थान है वो अल्पसंख्यक है क्या, ये एक सवाल है। दूसरा ये है कि जिसके बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हमसे पूर्व वक्ता ने कि स्त्रियों की आजादी को अगर हम 21वीं शताब्दी में देख रहे हैं तो क्या मतलब है इन सब चीजों का। आप हिजाब स्कार्फ या ये जो पुरुष जमात है वो स्त्रियों पर अपनी आइडियोलॉजी को क्यों थोपना चाहती है, चाहे वो धार्मिक लोग हों या सियासतदान लोग हों। तो मुझे लगता है कि स्त्रियों की आजादी के लिए काम किया जाना चाहिए और ये जो पर्दा प्रथा है वो निश्चित रूप से स्त्रियों को कमजोर करती है, उन्हें सीमित करती है। एक इसका तीसरा पहलू ये भी है कि ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार कोई हिजाब पहन करके जा रहा होगा। बिल्कुल। और कर्नाटक में ये घटना हुई है जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है, तो जाहिर तौर पर ये सियासत का मामला है। इसके पहले तो भाई किसी ने कोई इस तरह का एतराज नहीं किया होगा। मैं भी एक विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ हूँ, हमारे यहाँ भी बच्चे अपने अनुसार अपनी पोशाक पहन करके आते हैं और कभी कोई सवाल नहीं खड़ा होता है। तो ये प्रमुख रूप से सियासत का मामला है, राजनीति का मसला है। आपको किसी एक समुदाय को चिन्हित करना है, और माफ कीजिएगा इसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री भी शामिल हैं। आप याद कीजिए शाहीन बाग का आंदोलन जिसमें उन्होंने कहा कि लोगों को कपड़े से पहचानना चाहिए। ये हम कहां आ गए हैं कि क्या किसी के कपड़ों से आप पहचानेंगे, उसे अलग थलग करेंगे। ये मुझे लगता है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये तीन पहलू हैं इसके, और दो चीजें हैं इस पर सर। एक निर्णय होना चाहिए संवैधानिक नजरिए से, इस पर निर्णय होना चाहिए। हाई कोर्ट में ये मसला पहुंच गया है, हाई कोर्ट में इस मसले पर अब सुनवाई होगी सर, तो हाई कोर्ट से कुछ ना कुछ इसमें आने की उम्मीद, आदेश आने की उम्मीद हम रखते हैं। मैं दो चीज इसमें आपसे पूछना चाहती हूँ। पहली बात तो ये, आपने कहा कि इस पुरुष जमात को ये अधिकार अब महिलाओं को देना होगा कि उन्हें इस पर्दे से मुक्त किया जाए, लेकिन अगर वो वर्ग ही चाहता है उस पर्दे में रहना है, वो छात्राएं चाहती हैं हिजाब पहनना, वो महिलाएं बुरके में रहना चाहती हैं, तो फिर क्या किया जाए? तो क्या उनकी भावनाओं का सम्मान नहीं होना चाहिए? और दूसरी बात, देश के प्रधानमंत्री पर आपने सवाल खड़े किए, लेकिन दूसरा पहलू ये भी था कि तीन तलाक खत्म करने वाली यही केंद्र की मोदी सरकार थी सर, तो हम उस पहलू को कैसे नकार दें? देखिए ऐसा है, मुझे लगता है कि इस मुद्दे को महिलाओं पर और लड़कियों पर छोड़ देना चाहिए। ये जो पुरुष केंद्रित जो सियासत है भारत की, ये जो मर्दवादी सियासत है, ये कौन होती है ये तय करने वाली कि कौन क्या पहनेगा? हाँ, ये बिल्कुल आपका मौजूद सवाल है कि ये कौन तय करेगा। अगर वो उस तरह के लिबास में रहना चाहती है तो किसी को अधिकार नहीं है। मैंने कहा ना कि संविधान की धारा 14 है, ये आजादी उनको देती है कि वो किसी भी लिबास में जा सकते हैं। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि हम किस तरह का समाज बना रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूं कि भाई धर्म हो या जो रूढ़ियां हैं उसकी, उन रूढ़ियों के आधार पर हमें अब चलना है 21वीं शताब्दी में, या हमें एक आधुनिक समाज बनना है? तो इसलिए ये पहलू भी महत्वपूर्ण है। मैं कतई नहीं कह रहा हूं वो उनकी निजी जिंदगी है, निजी आजादी है, आर्टिकल 21 भी उन्हें निजी जिंदगी जीने का पूरा अधिकार देता है, लेकिन मैं दूसरी तरफ इसका एक सामाजिक पहलू भी कह रहा हूं कि वो ये है कि क्या ये जो पर्दा प्रथा है जी, ये जो लिबास है, वो स्त्रियों को और हमारी लड़कियों को स्वतंत्र रूप से जीने के लिए प्रेरित करता है क्या? मैं जानना चाहता हूँ ये बहुत बड़ा सवाल है जो इसका समर्थन करते हैं।
ठीक है खान साहब, मैं उनसे जानना चाहता हूँ। खान साहब तो समर्थन कर ही नहीं रहे सर, अभी मैं रत्नेश जी का भी यहाँ पे समझने की कोशिश करूंगी कि किस चीजों को लेकर वो एकदम श्योर हैं कि ये होना चाहिए और नहीं होना चाहिए। खान साहब, केरल हाईकोर्ट का वो फैसला मुझे याद आता है जब एक मुस्लिम छात्र की याचिका को ठुकराया गया था और केरल हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में ये साफ तौर पर कहा था कि अगर इस तरह की किसी खास वेशभूषा को अनुमति दी जाएगी तो इससे राज्य में धर्म निरपेक्षता बढ़ेगी। देखें, इस्लाम में पढ़ने को बहुत अहमियत दी गई है और पर्दे को भी अहमियत दी गई है। तो सबसे पहले जो हमारी इस्लाम को मानने वाले मुसलमान हैं हम सब लोग, अपने बच्चों को और बच्चियों को घर में रखें, घर से ज्यादा पर्दा कहीं नहीं होता। लेकिन उनकी तालीम के लिए फिर मदरसे बने जहां पर लड़के और लड़कियों की तालीम अलग अलग होने लगी। लड़कियां चाहे बुर्का पहन के जाएं या कैसे जाएं, उन्हें दीनी तालीम दी जाने लगी। इसके बाद हमारे समाज में और निर्माण हुआ और समाज का निर्माण ये हुआ कि हमारी बच्चियां सामाजिक तालीम की तरफ भी आगे बढ़ने लगी, वो खेलों में आगे आने लगी। यहां तक के जो सानिया मिर्जा हैं, आपने देखा है कि वो देश की नामवर मुस्लिम महिला है जिनको मुसलमानी नहीं सभी लोग अपना आदर्श मानते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी अभी मेरे भाई ने जो बात कही मैं उनसे पूरी तरीके से सहमत हूं कि स्कूल चाहे वो चाइना में हो, अमेरिका में हो या ईरान में हो, जो भी वहां की ड्रेस कोड है वो सबको पहनना पड़ेगा। अगर मेरी कोई हिंदू बेटी ईरान में जाती है, पाकिस्तान में तालीम हासिल करने जाती है, क्योंकि कोई भी कहीं पर भी तालीम हासिल कर सकता है, इल्म और ज्ञान एक ऐसा भंडार है जो जहां से मिले ले लेना चाहिए, तो उसको उसका ड्रेस कोड पहनना पड़ेगा। मैं अपनी बच्चियों से, अपनी कर्नाटक की बेटियों से यह अपील करूंगा कि वो शिक्षा की तरफ बढ़े, ना कि हिजाब और बुरके की तरफ। हाँ, हिजाब वहां जरूरी है, जब आप घर से निकलें तो बुरका पहन करके निकलें, जब आप अपने स्कूल में आए तब उस हिजाब को अपने बैग में रखें और बिल्कुल एक अच्छी छात्रा बनकर, एक तालिबे इल्म बनकर, एक तुलबा बनकर वहां पर इल्म हासिल करें। अगर आप इस हिजाब के विवाद में बढ़ेंगी आगे तो अच्छी अच्छी शिक्षा कैसे प्राप्त करेंगी, जबकि नबी की हदीस है कि इल्म हासिल करो चाहे चीन क्यों नहीं जाना पड़े। तो मतलब चीन जाएंगे तो क्या हम बुर्का लेके जाएंगे, हमारी बच्चियां जाएंगी? तो जो वहां का ड्रेस कोड होगा, जो वहां की लैंग्वेज होगी, जो वहां के तमीजो तमद्दुम होंगे, जो नियम होंगे, उसको सबको फॉलो करना पड़ेगा। मेरे कांग्रेसी भाई ने किसी बात को कहा जैसे उन्होंने कानून का हवाला दिया। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है कि कानून कहाँ चलेगा। जैसे उन्होंने कहा ड्रेस कोड पे कोई पाबंदी नहीं है, तो जब हम मंदिर में जाते हैं या खेल के मैदान में जाते हैं या मस्जिद में जाते हैं तो ड्रेस कोड की बहुत अहमियत होती है। कुर्ता पैजामा और टोपी लगा के ही मस्जिद में जा सकते हैं, मंदिर में भी इसी तरीके से जाएंगे। खेल के मैदान में हम लोग जो हैं वो बुर्का पहनकर रनिंग नहीं कर सकते, दौड़ नहीं सकते। इसलिए जहां पर इस्लाम में हिजाब की अहमियत है, फिर से मैं कहूंगा, वहां पर तालीम की भी बहुत बड़ी अहमियत है। इसलिए तालीम हासिल करो, ज्ञान हासिल करो, इन विवादों में ना उलझो। कोर्ट क्या कहेगा, कोर्ट क्या नहीं कहेगा, उसको सब लोग मानेंगे, लेकिन तालीम, जो माँ बाप हैं, तालीम की तरफ वो तवज्जे दें अपने बच्चों की, ना कि हमारे बच्चे अभी से कोर्ट जाने लगे तो फिर छोटी छोटी बात कोर्ट तय नहीं करेगा, बल्कि हम लोग तय करेंगे, समाज तय करेगा, वहां का शिक्षण संस्थान तय करेगा, हमारे उलेमा तय करेंगे। तो लाजमी सी बात है कि राजनीति हो रही है, इसमें किसी को भी राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये इल्म का मामला है, ये तालीम का मामला है, ये शिक्षा का मामला है। ठीक है, बताइए रत्नेश जी। अभी इसकी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भाई को सुन रहा था जी, तो उन्होंने कई जगहों पर कहा कि आप यहाँ पर नहीं जा सकते, आप वहाँ पर बुर्का पहन कर नहीं जा सकते। देखिए, बात यहाँ पर बुर्के को पहनने ना पहनने की तो है ही नहीं, आपने इस मुद्दे के पीछे का मोटिव ढूंढा कि ऐसा क्यों किया वहां की सरकार ने। जैसा अभी प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि
बहुत सारे विद्यालय हैं, वो खुद स्वयं भी विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, और मैं भी जिस महाविद्यालय में पढ़ा हूँ, मैंने दो साल हॉस्टल में रहकर पढ़ाई की है, मैं बढ़िया तिलक लगा के जाता था, मेरे किसी अध्यापक ने मुझसे नहीं रोका कि रश्मि सब तिलक लगा कर क्यों आते हैं। दूसरी बात, मैं जिस महाविद्यालय में पढ़ता हूँ उसके बगल में क्या कहते हैं हनुमानगढ़ी है, राम जन्मभूमि है, मैं वहां जाता हूँ, दर्शन करता हूँ, वहां का प्रसाद लेता हूँ, और महाविद्यालय में जाता हूँ तो मैं तो कोई भी कार्य शुरू करता हूँ तो मैं गायत्री मंत्र का जाप शुरू करके करता हूँ, तो क्या एग्जामिनर मुझे इस जाप से रोक देगा कि नहीं रखते आप गायत्री मंत्र का जाप नहीं कर सकते? ये मेरी धार्मिक स्वतंत्रता का प्रतीक है, वो मेरे धार्मिक स्वतंत्रता का भाग है। और दूसरी बात रही बात जो करे हिजाब पहन करना, अरे भाई क्यों ना है? अगर वो महिलाएं चाहती हैं, अगर वो हिजाब में खुद को कंफर्टेबल फील कर रही हैं, तो क्या आपत्ति हो सकती है? और मुझे दूसरा बिंदु भारतीय जनता पार्टी के नेता समझा दें कि हिजाब ना पहन कर आने से इस बात की क्या गारंटी आप देते हैं कि उन महिलाओं का शिक्षा का स्तर अच्छा हो जाएगा? हो सकता है कि वो हिजाब में खुद को ज्यादा सहूलियत पाती हो या ज्यादा कंफर्टेबल पाती हो। आप किसी महिला को ये नहीं कह सकते जबरदस्ती कि आपको ये पहनकर हम नहीं आने देंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि सेंट मैरी एक बहुत बड़ी संस्था है, यहाँ पर हिंदू मुसलमान बच्चियां सब एक साथ पढ़ती हैं, वहाँ पर जो उनका ड्रेस कोड होता है वही पहन करके मुसलमान लड़कियां जाती हैं अच्छी शिक्षा हासिल करने के लिए। जैसे अभी आपने कहा कि धर्म पर किसी के भी कोई रोक नहीं है। खान साहब एक बार उनकी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए सर, फिर मैं आ रही हूँ आपके पास। खान साहब जब आप बोल रहे थे मैंने बीच में नहीं रोका आपको। चलिए ठीक है सर, अब आप अपनी बात जारी रखिएगा, उससे पहले बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर फिलहाल रुक लेते हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। रत्नेश जी आपका रुख करना चाहेंगे, अब आप अपनी बात जारी रखिए। देखिए पहली बात है, मेरा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से निवेदन है कि कृपया अपनी बारी आने पर ही बोले। अब आप अपनी बात जारी रखिए, बोला जाएगा बताया जाएगा क्योंकि इसे जनता सुन रही है, ये मैन टू मैन बात नहीं हो रही है, इसे देश की जनता सुन रही है। बहुत बड़े चैनल पर बैठकर आप बात कर रहे हैं, बोला जाएगा बिल्कुल बिल्कुल बोला जाएगा। बीच में बोल के क्या दिखाना चाहते हैं, बीच में बोल के क्या दिखाना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कैसे भेजा है? आपकी तो कांग्रेस की आंखों में भारतीय जनता पार्टी खटकती है, जब कोई बात आपको बन के नहीं आती तब आप भारतीय जनता पार्टी पर आरोप बनते हैं। आपको पता है, आपको मालूम है। ठीक है सर, आप वापस मुद्दे पर आ जाइए ना। खान साहब आप भी दो मिनट का वेट कर लीजिए, उनकी बात कंप्लीट होते ही मैं रुक कर लूंगी आपका, बताइए सर। जी मैं जो बात कर रहा था किसी भी मैं उस पास जाता हूँ, गायत्री मंत्र का जाप करता हूँ, उसके बाद बैठता हूँ, तो आप मैं तिलक लगा कर जाता हूँ, मुझे तो किसी ने नहीं रोक दिया। क्यों नहीं रोका? क्योंकि मेरे नाम के आगे मित्रा लगा हुआ है। अगर मान लीजिए कल को अगर मेरा कोई मुस्लिम भाई है, अगर वो अपनी वेशभूषा में जाता तो बिल्कुल आप जामिया मिलिया में जाके देख लीजिए, बहुत सारे छात्र इस्लामिक वेशभूषा में जाते हैं। आप दिल्ली विश्वविद्यालय में आके देख लीजिए, बहुत सारे छात्र हिंदू वेशभूषा में जाते हैं, तो क्या उनको रोक दिया जाए? अरे आप महाविद्यालयों को या विद्यालयों पर राजनीति का अखाड़ा मत बनाइए, आप उनको छात्रों के निर्माण और व्यक्तित्व निर्माण का केंद्र बनाइए, आप वो कार्य नहीं करेंगे। यहाँ जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो बच्चे विश्वास का मौका ढूंढते हैं कि किसी भी तरह आप पर धार्मिक ध्रुवीकरण कैसे करें। क्या इससे पहले वहां पर महिलाएं जब बच्चियां भूलता पहन कर नहीं पाती और जाति की क्या उनकी शिक्षा पे कोई व्यवधान आ गया या उसकी शिक्षा की व्यवस्था में कोई प्रभाव नहीं आया है, वो क्या वो आगे जाकर कुछ कर नहीं पाए? अरे कोई एक वैलिड रीजन तो दीजिए आप उसको रोकने का, आप क्या कह रहे धार से दूसरा नहीं आ सकती? अरे भाई तो फिर बंद कर दीजिए ना आप, हटा दीजिए अक्सर 25-28 तक हो तमाम सारे अधिकारों को एलिमिनेट कर दीजिए।
आप कहते हैं कि लोकतांत्रिक पार्टी है, लोकतांत्रिक तरीकों से सरकार चलाते हैं, रवैया आपका जाना सही वाला है। पर अब तो ये मामला सर कोर्ट में चला गया है ना, कोर्ट के विचाराधीन है, सरकार ने तो इस मसले पर कोई आदेश ऐसा जारी नहीं किया कि उस पर तानाशाही का आरोप लगाया जा सके। देखिए पहली पहली बात तो मेरी ये मांग है पल्लवी जी कि उस महाविद्यालय के या उस विद्यालय के पूरे उस स्टाफ पर कार्यवाही होनी चाहिए जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। उन्होंने पब्लिकली इस घटना को किया, और कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि अध्यापकों को ये कार्य नहीं करने चाहिए जिससे धार्मिक ध्रुवीकरण हो। मैं स्वयं भी दिल्ली में रहकर सिविल सेवा के परीक्षार्थियों को पढ़ाता हूँ। मैं जब क्लासरूम में घुसता हूँ तो मैं अपनी आइडेंटिटी भूल जाता हूँ कि मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, क्या हूँ। मैं वहाँ उनको जो उचित होता है और जो तार्किक होता वो बातें बता कर आता हूँ। आपको एक बात बताऊं सर, अभी आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, लेकिन जहां आपकी सरकारें हैं ना, वहां इन नियमों का पालन नहीं हो पाता है। राजस्थान में कितना बवाल मचा था कि जो विवाहित स्त्रियां थी वो मंगलसूत्र पहन के परीक्षा तक देने नहीं जा सकती थी, तब ध्रुवीकरण नहीं हो रहा था, तब तुष्टिकरण नहीं हो रहा था। आप कैसे किसी विवाहित स्त्री का मंगलसूत्र उतरवा सकते हैं? देखिए मैं उस बात का जवाब भी आपको दे देता हूँ। मंगलसूत्र उतरवाने के लिए ठीक है कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं गया था, वो आयोग। अरे तो ये कर्नाटक में भी तो यही हुआ था सर, उडुपी का ये मामला था, स्कूल में छात्राएं जा रही थी, स्कूल प्रशासन ने रोक दिया, कौन सा वहां पर खुद सीएम चले गए थे कि नहीं तुम तो हिजाब अभी उतारो। मैं उसको जवाब दे दूंगा। कर्नाटक में कुछ ऐसी जमातें हैं जो बढ़ावा देती हैं, मैं उन मुस्लिम जमातों को भी जानता हूं, जैसे मेरे भाई उदाहरण दे रहे हैं वो बिल्कुल उदाहरण गलत है। जब हम शिक्षा धारण करने जाएंगे, मैं टोपी लगाए बैठा हूँ, मैं भी हॉकी कोच हूँ, मैं भी कभी ये नहीं सोचता कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, लेकिन कोई भी मुसलमान बच्ची मेरे पास हॉकी सीखने आती है तो उससे सबसे पहले कहता हूँ कि कोई ड्रेस कोड नहीं, जो ग्राउंड की ड्रेस कोड है वही चलेगी। मैंने भी बीएड किया है, हम भी शिक्षा प्रणाली से वाकिफ है। ऐसा नहीं है कि हम टोपी लगा करके बैठ गए तो आप समझ रहे हैं कि इन्हें कुछ सामाजिक मालूमात नहीं है। मैंने भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, तो लाजमी सी बात है कि अगर कर्नाटक में हिजाब को स्कूल के अंदर एंट्री नहीं करने दी गई तो उसके ऊपर पाबंदी नहीं आयत होना चाहिए। मैं आपको मैडम पल्लवी जी बताता चलूं कि जब सारे जहां से अच्छा इकबाल ने 1947 में ये तराना लिखा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो कांग्रेसी लोगों ने उसका विरोध करवाया कि इसका विरोध करो क्योंकि आपका तो सऊदी अरब है हिंदुस्तान कैसे। जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सर सैयद अहमद खान ने तामीर की तो उसमें अंग्रेजी की तालीम लाजमी की गई, तो उस वक्त में भी उनका विरोध किया गया। ये विरोध, ये जो कांग्रेस है ये विरोध कराने के पक्ष में रहती है, ना कि उन बच्चों को समझाएं, उन बच्चों के माँ बाप को समझाएं कि तालीम हासिल करना हर इंसान पे फर्ज है, क्योंकि इंसान आदमी पैदा होता है और आदमी को तालीम इल्म इंसान बनाती है। अगर दीनी तालीम हासिल करना है तो सर ढक के होगा, हिजाब में विरोध होगा। स्वरूप ये जो भगवा स्कार्फ पहनकर छात्र छात्राएं जा रहे हैं सर, ये भी कहीं से इसको भी ना स्वीकार नहीं किया जा सकता कि विरोध करने का भी नायाब तरीका निकाल लिया। छात्राएं हिजाब पहनकर विरोध कर रही हैं तो छात्र भगवा स्कार्फ डालकर विरोध कर रहे हैं। हम अपने छात्रों को कम से कम स्कूल में छात्रों को तो राजनीति से दूर रखे ना, कॉलेज तो हमारे बन ही गए राजनीतिक अखाड़ा, कम से कम स्कूलों को छोड़ दे तो बेहतर रहेगा। मैं लौटूंगी आपके पास, प्रोफेसर रविकांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, काफी देर से एक बार उनका रुख कर लेते हैं, बताइए रविकांत जी। ये मुद्दा जो है वो बिल्कुल राजनीतिक है। ड्रेस कोड जो है वो आमतौर पर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट तक रहती जी, लेकिन उच्च शिक्षा में एक तो ड्रेस कोड है नहीं, और ऐसा नहीं है कि ये जो बच्चियां हैं वो पहली बार कोई वो हिजाब पहन करके आई होंगी, या इसके पहले जो बच्चे उनके साथ पढ़ रहे होंगे उनको कभी अनुचित लगा होगा। लेकिन जहां पर ध्रुवीकरण करने की कोशिश हो रही है, कर्नाटक में हम लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वो उन बच्चों के बीच भेद पैदा करना चाहते हैं कि वो ये हिंदू पहचान है ये मुस्लिम पहचान है। ये जो भारत है वो विभिन्न रंगों का गुलदस्ता है, कितनी बड़ी खूबसूरती हुआ करती थी। मैं लखनऊ में हूं और लखनऊ की जो तहजीब है वो इसके लिए जानी जाती है, और वहां पर
चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो, अपनी अपनी ड्रेस पहन करके अपने खूबसूरत लिबास में वो सब चलते थे तो बड़ा खूबसूरत लगता था, वो नजारा अच्छा लगता था। लेकिन अब एक आप लिबास को या एक रंग को जब आप उसका पैशाचीकरण करते हैं तो समस्या होने लगती है। इसलिए मैं कह रहा हूं ये मसला सिर्फ राजनीतिक है, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है जिसकी तरफ मैं बार बार इशारा कर रहा हूं कि क्या स्वयं मुस्लिम जमात को जो उसमें आलिम है, जो उनके धर्म गुरु हैं, उनको इस बात पर विचार नहीं करना चाहिए कि हम स्त्रियों को लड़कियों को इसके लिए आजाद करें, आजाद ख्याल बनाएं। अब ट्रिपल तलाक का जो मुद्दा था, अब कोई ये कहे कि साहब देखिए स्त्रियों ने तो कभी इसके लिए आवाज नहीं उठाई इसलिए वो जारी रहना चाहिए, स्त्रियां उसका समर्थन करती, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि उन लड़कियों से ये बातचीत की जानी चाहिए कि क्या उनको वो लिबास पसंद है कि नहीं है। जिनको पसंद है वो बेशक पहन के जाए, जनको नहीं पसंद है तो उन पर कोई पुरुष जमात की तरफ से ही कोई जो आदेश है वो सामने आएगा। लेकिन ये विशुद्ध रूप से राजनीतिक मसला है, मसले पर अपना फैसला सुनाएगा, कोर्ट से ही उम्मीद है। वैसे भी अब इस देश में छोटी छोटी चीजें तो कोर्ट से ही तय होकर आती हैं, हमारी सरकारें, हमारा प्रशासन का जो स्तर है वो इन मसलों को सुलझाने में नाकाम साबित हो रहा है। फिलहाल समय की कमी है, मैं बीच में आपको रोक रही हूँ। शुक्रिया तमाम मेहमानों का चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो कर्नाटक में हिजाब का जो विवाद है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, इस मसले में हाईकोर्ट पर अब सुनवाई होगी और हाईकोर्ट ही अब ये तय करेगा कि छात्राओं को हिजाब पहनने पर पाबंदी लगानी चाहिए या फिर उन्हें इसकी अनुमति मिलनी चाहिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।